अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर टू ऑफ लेसन नंबर एट। बच्चे ये देखें आप, ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू है लेसन नंबर एट का। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैंने कॉपी का पेज रेडी किया हुआ है, आपने अपनी नीट कॉपीज पे इसी तरह से पेज को रेडी करना है और आपने ये क्वेश्चन इसी तरह से राइट करना है जैसे मैंने राइट किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द फर्स्ट लाइन यू विल राइट लेसन एट, यू विल राइट लेसन एट। इन द फर्स्ट लाइन यू विल राइट लेसन एट। इन द सेकेंड लाइन यू विल राइट द लेसन नेम वाटर एंड इट्स यूजेज, वाटर एंड इट्स यूजेज। इन द नेक्स्ट लाइन यू विल राइट आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन। आपने लेसन नंबर एट को, वाटर एंड इट्स यूजेज को और आंसर दिस क्वेश्चन को इसी तरह डबल लाइन के साथ अंडरलाइन करना है। तो आपने नेक्स्ट लाइन में मार्जिन लाइन में लिखना है क्वेश्चन नंबर टू, क्या लिखना है क्वेश्चन नंबर टू, और उसके सामने लिखेंगे आप व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर इन पाकिस्तान, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में साफ पानी के कौन से ज़रिए हैं, पाकिस्तान में साफ़ पानी के कौन से ज़रिए हैं, मतलब हमें कौन से ज़राए ऐसे हैं जिनके ज़रिए हमें साफ़ पानी मिलता है। आपने क्वेश्चन नंबर टू के नीचे ही साथ ही नीचे मार्जिन लाइन में लिखना है आंस, क्या लिखना है आंस। उसके सामने आपने लिखना है रेन, स्नो, ग्लेशियर्स, रिवर्स एंड लेक्स आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर इन पाकिस्तान। रेन, स्नो, ग्लेशियर्स, रिवर्स एंड लेक्स आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर इन पाकिस्तान, मतलब कौन से रिसोर्सेज हैं, बारिश, बर्फबारी, बर्फ़ के पहाड़, दरिया और झीलें जो हैं हमारे लिए साफ़ पानी का ज़रिया है पाकिस्तान में। तो बच्चों ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर टू लेसन नंबर एट का। आपने इसको लर्न करना है नीट कॉपीज़ पे और लर्न करने के बाद रफ कॉपीज़ पे नीट करके, लर्न करने के बाद इसको रफ़ कॉपी पे लर्न करके ज़रूर याद करके आपने लिखना है। अल्लाह हाफिज़।